सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर मसीही तहरीके बेदारी के मरकजी चेयरमैन डॉक्टर इमैनुअल आदिल गोरी ने एक बयान में कहा है, रवादाई तहरीक के जरिए तमाम अकलियतों के जमहूरी मुतालबे की हमें अपने वोट से अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हक दिया जाए के लिए 10 और 11 अगस्त को पंजाब असम्बली के सामने मुनक़द होने वाले भूख हड़ताल कैंप की मसीही तहरीके बेदारी मुकम्मल हमायत करती है और अपने तमाम कारकुनान को भरपूर शिरकत की हिदायत करती है। उन्होंने मजीद कहा है कि तमाम सियासी पार्टियां 3.5 साल सिलेक्टेड हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकी, जबकि अकलियतों पर गुज़श्ता 35 सालों से सिलेक्टेड नुमाइंदे मुसल्लत हैं। हुकूमतों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक कई बार इंतखाबी इस्लाहात की हैं। हम इस गैर जमहूरी अमल के खिलाफ दरीना अरसा से सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं, लेकिन किसी अक्सरियती सियासी पार्टी ने हमारे मुतालबे की हमायत नहीं की, जबकि अकलियती सिलेक्टेड नुमाइंदों से हमें इसकी उम्मीद भी नहीं है।